छोटे से रास्ते पे इतनी बड़ी बस। यार यहाँ के तो यार लोकल बड़े यार बहुत बेकार है। भाई मेरे इस ट्रिप के पैसे वसूल हैं पूरे के पूरे। स्टैंड टू चेक आउट। तो फाइनली भैया कोल्ड स्टार्ट अपने हो गया अभी। नाउ इट्स टाइम टू रोलिंग अप। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप एवरी वन, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, चुस्त और दुरुस्त तुम्हारे भाई की तरह। तो गाइज अभी तुम्हें पता था पिछले व्लॉग तक में हम पहुंच चुके थे चंडीगढ़। यार वो शहर चंडीगढ़ दिया गेड़ियाँ लगाई रात नहीं, और अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ टू हिमाचल। हिमाचल में कौन सी लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पर जाएँ, मतलब अराउंड। वैसे तो लोकेशन हमारा प्री डिसाइड है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि प्री डिसाइड पूरा है, बट हाँ 100 किलोमीटर तक की रेंज में, मतलब वही है 100 किलोमीटर में। अगर चंडीगढ़ से हम निकलते हैं तो शिमला ही आ जाता है। तो लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, और आज थोड़े पहाड़ी रास्तों के एडवेंचर के लिए जाएंगे क्लिप्स, तो देखना भाई सेक्सी आएंगे। जैसे अभी पहले वाली आई थी ना, सिमिलर है उसी तरह से, मज़ा आ जाएगा, समा बन जाएगा। तो भाई अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 11, अब हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट। अपना हम रात में थोड़ा सा सीन शान देख करके टाइम से लेट नहीं पाए थे, क्योंकि यार पता नहीं पिछले दो तीन दिन से नींद है ना, टाइम से आ नहीं पा रही, तो बड़ी समस्या सी हो रही है। तो अब सबसे पहला काम है बाइक का फ्यूल अप का। तो भाई देख रहे हो एक दिन में दो बार फ्यूल अप हो गया, और अब है तीसरी बार, सेकंड डे है, और तीसरा फ्यूल अप अब हमारा होने जा रहा है। सो मतलब सुपर बाइक के खर्चे एंड दिस इज़ द मेजर वन खर्चा। हाँ तो ज़रा लगाते हैं पहले पेट्रोल पंप पे। सो इट्स टाइम फॉर फ्यूलिंग अप। 95 अच्छा, इससे पहले 5 लीटर टेस्टिंग में लगेगा तो डलेगा नहीं। 5 लीटर डाल दे कोई बात, भाई मतलब अच्छा आपको पहले इसमें से निकालना पड़ेगा अपने टेस्टिंग के लिए। हाँ फिर उसके बाद आप करोगे है ना, भारी भाई क्या। तो अभी हमारी भाई लोकेशन सेट हो चुकी है, वी आर गोइंग टू कसौली। तो पहला हमारा स्टॉप कसौली होगा, कसौली के बाद देखते हैं अगर कुछ स्पेशल जगह टाइप कुछ मिलता है तो उससे आगे हम चलेंगे। बाकी आप लोग करो एंजॉय वीडियो को, और ज़रूर से भाई चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑल पे, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है ना। और कोई मेरा भाई बंधु अगर भाई जुड़ना चाहता हो तो बता सकता है रोड ट्रिप के लिए। फ़ोन होल्डरों का एक फ़ायदा तो है भाई, भैया कर रहे वीडियो कॉल भाभी से, अरे वका ये सही है। बालकों से वीडियो कॉल चल रही है भैया की। टोल नंबर 7th ही है शायद, भाई गिनते रहो पिछले व्लॉग के गिनो, ये गिनो, मतलब आज का पहला टोटल इस राइड का हमारा 7th है। सब ये जुगाड़ करा भी मैंने इसमें। हाँ
ਐ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਅਬ ਇਸੇ ਮੋਨਸਟਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਟ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੋਨਸਟਰ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲੇਂਗੇ ਹਮ ਡੋਮਿਨਾਰ ਕੇ ਅਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਟ ਆਏਗਾ ਤੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਕਰ ਦੂੰ ਅਬ ਇਸੇ भाई फोन लगा दिया सही दोनों को अब देखते हैं क्या क्वालिटी लेता है वैसे पीछे सूरज आ रहा था पता नहीं किस तरह का ओ माय गॉड कैमरा ऑन है ना वैसे बड़ा ही प्यारा लोड आने वाला अरे दादा क्या व्यू है अब भाई रोड ट्रिप है अरे कैमरा पूरा ऑन ना रखो तो क्या ही फायदा सिट्रॉन अरे मेरी जान रेंजेस ओहो जे है व्यू तो बिल्कुल पूरा का पूरा एकदम मस्त इसमें देखनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है लेट्स चेक इट आउट गाइस ओए होए 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 यार रास्ता तो बड़ा अच्छा है अरे हमारा हमेशा ना रात में हुआ अगर दिन में आना नहीं हुआ दिन में आना होता तो बात ही काफिर भाई मज्जा नहीं लाइफ मज्जा नहीं भिड़ू हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है भाई सोलन इट्स 42 किलोमीटर्स वाओ 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 इतने खूबसूरत रास्ते जे तो मन ने कभी सोचे भी ना थे कि इतने भी खूबसूरत रास्ते हो अरे माय गॉड अरे तेरी लपक गई हो तो लपक गई भाई मेरे इस ट्रिप के पैसे वसूल हैं पूरे के पूरे ये मेरी भाई अभी तक की जिंदगी का मेरा यादगार ट्रिप है कसम से अब मुझे बस फ़ोन की रिकॉर्डिंग और चेक करनी है क्या रिकॉर्डिंग हुई है ये समस्या बाहर से जे का है रो यहाँ पे इट इज नेक्स्ट वन टोल Yeah.
सो आई होप गाइस आप लोगों को भाई फ्लाई बाइज और सिनेमैटिक शॉट और थोड़ी सी रोलिंग अप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है ना। और अभी फ़िलहाल भाई वैसे बीच में एक जगह रास्ता भटक गए थे तो थोड़ा सा गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा फिर। ओ माय गॉड, हाँ तो गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा, अब जा करके हम सही रास्ते पर आए हैं, लेकिन रास्ता कुछ इस प्रकार है। और भाई यार यहाँ के तो यार लोकल भी बड़े यार बहुत बेकार है धर्मपुर में। मतलब मैंने बाइक साइड में लगाई थी मैंने भैया ने, मतलब वो भी गोप्रो में का सेट कर रहे थे थोड़ा का क्लिप के लिए, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुए अंदर से आते निकल के लेडी होटल के अंदर से, लेडी का कहना आप इसको है ना आगे कर लो, यहाँ पर जो है ये पार्किंग है और यहाँ पार्किंग होती है। अरे तो पार्किंग है वो ठीक है, हम कैमरा रिकॉर्ड करके भाई हम तो जा ही रहे हैं, हमें कौन सा बसना थोड़ी है, मैंने कहा कैमरा सेट कर लें जा रहे हैं मुश्किल से 5 मिनट का काम है। नो नहीं नहीं आप है ना यहाँ से हटाओ आगे करो, जबकि हम खड़े थे ऑन रोड पर, ये भी नहीं कि यार किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ा कर खड़े कर दी हो हमने। बताओ कैसे कैसे लोग हैं यार, और मतलब बेमतलब की आवेल मुझे मार वाला सीन, फिर आता है उसका हस्बैंड, शायद हस्बैंड था कौन था, तो वहाँ पर आप 10-15-20 मिनट से ऊपर हो गया आपको यहाँ खड़े खड़े, अब 2 मिनट भी दिख रहा मत। मैंने कहा भैया भी गर्म हो गए मैं भी गर्म हो गया, मैं 2 मिनट क्या दिख रहा हुआ था, भैया कहने लगे कि भाई हम ऑन रोड खड़े हैं, ये रोड आपके प्रेमिसेस में थोड़ी है, हम चाहे इस रोड पर यहाँ खड़े हो वहाँ खड़े हो। बताओ यार इतने इतने बेकार लोग हैं यार मेरा, मतलब क्या बताऊँ। चलो बाकी तो खैर व्यू एंजॉय करना आप लोग, थोड़ा सा खुला खुला सा एरिया। ओहो यार पहाड़ों पर तो कहीं भी निकल जाओ रास्ते बड़े अच्छे होते हैं पहाड़ों के, मज़ा आता है बड़ा सुकून मिलता है, और एक इस टाइम है ना भाई ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, नज़ारा नज़ारा गाइस चेक करो यार कितना बेहतरीन नज़ारा नज़ारा। अब पता नहीं यार हम कौन से सिटी में पहुंच चुके हैं, अब तो खैर सड़क का सही है भाई, देखो देखो, अरे भाई साहब ये तो बड़ा क्या रास्ता है, आई मैया भाई मामला क्या बना हुआ,
लंबा जाम है भाई, और जगह तो बिल्कुल भी निकलने को है ही नहीं। जाना कहाँ है? अरे यार आगे गाड़ी आ रही थी ना। चलें फिर इस पे ही। कौन सा? ऊपर नीचे नीचे मिलिट्री कैंट है। अच्छा नीचे मिलिट्री कैंट है, ऊपर साइड पर। चलो कह रहा है नीचे मिलिट्री कैंट है, ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। छोटे से रास्ते पे इतनी बड़ी बस, माय गॉड।